सावन के पवित्र माह की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार से हो रही है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस महीने महादेव की कृपा अपने भक्तों पर खूब बरसती है। इस बार सावन के पहले दिन ही मंगलवार को मंगला गौड़ी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को विवाहित महिलाएं ही करती हैं। इस व्रत को रखने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नवविवाहित महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। बता दें कि मंगला गौरी व्रत के दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन में कुल 9 मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। हालांकि हर साल सिर्फ 4 या 5 मंगला गौरी व्रत ही रखे जाते हैं। इस बार अधिक मास होने के कारण मंगला गौरी व्रत की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि इस बार सावन भी 59 दिनों का हो रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत रखने में दाम्पत्य जीवन की भी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जबकि जो विवाहित महिला संतानहीन है, उन्हें भी मंगला गौरी व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।